सो दिस इज वीडियो नंबर 16 क्वार्टरली चैप्टर चेन रूल चल रहा है अपना. ओके रिस्पेक्ट के अंदर रिस्पेक्ट स्टेट्स यहां से एफ इज द फंक्शन ऑफ यू, यू इज द फंक्शन ऑफ वी एंड वी इज द फंक्शन ऑफ वाई. यहां पहले तो एफ देखो एक्स कैसे धीरे धीरे अंदर जाएगा. हम लोग सेम सेम सिमिलर सिमिलर टॉपिक को अलग अलग का नाम देकर पढ़ रहे हैं. एफ को पहले विद रिस्पेक्ट टू यू में यानी कि इसे इसे मतलब एफ को पूरी तरह से इसे डी बाई डी यू एंड फिर यू को अंदर जाके विद रिस्पेक्ट टू एक्स. जब डी बाई डी एक्स इसके सामने आ जाएगा तब यू को विद रिस्पेक्ट टू वी में और वी में जाके विद रिस्पेक्ट टू एक्स. जब डी बाई डी एक्स इसके सामने आ जाएगा तब वी को विद रिस्पेक्ट टू वाई में और वाई को डी बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ओके तो स्टार्ट हियर. देखो f इज द फंक्शन ऑफ u करके d बाय डी यू ऑफ ये वाला एफ ऑफ इन टू यू को जाकर मतलब d बाय डी एक्स ऑफ यू ऑफ. देखो ये d बाय डी यू और ये d बाय डी एक्स. ओके ना अगले इसमें आपका ये u u है करके ये डैश ऑफ बन जाएगा इन टू अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स है लेकिन ये तो फंक्शन ऑफ v है ना. u इज द फंक्शन ऑफ v इसलिए पहले u को विद रिस्पेक्ट टू v में और फिर v को अंदर जाके विद रिस्पेक्ट टू एक्स में. तो इस तरीके से इसके बाद ये डैश ऑफ डी बाई डी वी ऑफ यू ऑफ एंड देन वी को विद रिस्पेक्ट टू एक्स. देखिए डी बाई डी वी ऑफ यू ऑफ जैसे का वैसा देन इन टू डी बाई डी एक्स ऑफ दैट डी ऑफ ये वाला. क्लियर बहुत ज्यादा कंफ्यूज ना होते हुए सिंपल यहाँ यू को विद रिस्पेक्ट टू वी में अरेंज करना. यू को मतलब पूरी तरह से यू ऑफ एंड वी को यानी कि वी ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स में अरेंज करना. क्लियर होकर ऐसा हो गया. ओके फिर अगले स्टेप में ये आइडिया जैसे वैसे डी बाई डी वी ऑफ दिस यू इज द फंक्शन ऑफ वी है ना इसको यू डैश ऑफ लिख सकते हैं. एंड नाउ अब वी इज द फंक्शन ऑफ वाई है ना इसलिए फिर वी को विद रिस्पेक्ट टू वाई में एंड फिर वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स में. और इस तरीके से देखो ये आपकी स्टेप पर जो डी बाई डी वाई ऑफ वी ऑफ वाई देन डी बाई डी एक्स ऑफ वाई ये भी ऑफ ये विद रिस्पेक्ट टू वाई या विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ओके एंड नाउ दिस बिकम दिस डैश ऑफ दिस यू डैश ऑफ ये बनेगा वी डैश ऑफ ये वाला वी डैश ऑफ एंड इन टू डीवाई बाई डी एक्स जिसको आप वाई डैश बोल सकते हो. ठीक है तो ये आपका चेन रूल. ओके स्टूडेंट्स अभी आपका टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जाम्पल से देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है जी ऑफ थ्री इंटू जी ऑफ फाइव इंटू जी ऑफ मतलब इस फंक्शन के अंदर ये वाला इसके अंदर ये वाला उसके अंदर एक्स. ओके बाद में जी ऑफ जीरो का आंसर जीरो जी डैश ऑफ जीरो का थ्री फाइंड कैपिटल एफ डैश ऑफ जीरो. सो कैपिटल एफ डैश ऑफ निकालना है लेकिन आपके पास तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स दिया है तो ये एफ डैश ऑफ जीरो निकालने के लिए आपका इसका एफ डैश ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा. इसका मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स में और ये निकालना आपको रास्ता यानी कि वे दिखाता है कि इसे आप डिफ्रेंशिएट कर लो. सो डिफ्रेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स सो डी बाई डी एक्स ऑफ दिस वन करेंगे तो उसका बनेगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ये पूरी तरह से ये रहेगा. ठीक है ना डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ ये पूरा ब्रैकेट जी का डेरिवेटिव पहले तो लिखेंगे जी डैश ऑफ इन टू डेरिवेटिव ऑफ अंदर का ये डी बाई डी एक्स ऑफ दिस वन. ओके सबसे पहले हम क्या किए इसको अरेंज किए जी डैश ऑफ ये पूरा समझा इन टू डेरिवेटिव ऑफ दैट अंदर का. वेरी सिंपल सपोज ये आपका एक जी ऑफ समथिंग रहता था तो क्या बोलेंगे जी डैश ऑफ समथिंग इन टू डेरिवेटिव ऑफ दैट वन. क्लियर दूसरी भाषा में बोलो तो ऐसा भी बोल सकते हैं आप कि यहां पर जी ऑफ फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ फंक्शन क्या बनेगा जी डैश ऑफ फंक्शन इन टू डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन एफ ऑफ की तरह. ठीक है नाउ ये जी डैश ऑफ ये रहा आपका जैसे का वैसा इन टू ये थ्री कॉन्स्टेंट था ना तो इसलिए कॉन्स्टेंट आपका डी बाई डी एक्स के बाहर लिखा गया है. नाउ डेरिवेटिव ऑफ ये वाला जी ऑफ ये अंदर का हाँ थ्री को डी बाई डी एक्स के बाहर लिखा गया है. सो अगेन डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ ये वाला एफ ऑफ फंक्शन पकड़ो ये वाला ये देखो एफ ऑफ बोलते ना एफ ऑफ ये वाला तो बाहर का जी का क्या बनेगा जी डैश ऑफ ये फंक्शन इन टू डेरिवेटिव ऑफ ये अंदर का फंक्शन एफ ऑफ.
ओके, और चेन रूल है, धीरे धीरे ये डी बाई डी एक्स अंदर जाते जाएगा एंड फिर फाइव कॉन्स्टेंट रहते डी बाई डी एक्स के बाहर लिखा जाएगा। तो यहां से क्या आएगा पहले बोलो कि यहाँ आएगा डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ यानी कि जी डैश ऑफ, ये देखो जी डैश ऑफ लिखा इनटू अंदर के फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब फाइव बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। ओके, धीरे धीरे लॉक खुल रहा है जी डैश थ्री जी ऑफ जी, ये थ्री जैसे का वैसा कहा गया, ये थ्री, ये थ्री और ये कहा गया ये फाइव, ये देखो ये फाइव ये थ्री, इसका इनटू बनेगा फिफ्टीन, ये फिफ्टीन लिखा और ये आपका जी डैश ऑफ, देखो ये पहले क्या रहेगा जी डैश ऑफ ये वाला इंटू जी डैश ऑफ ये वाला इंटू नॉ डेरिवेटिव ऑफ ये जी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स में ये बनेगा जी डैश ऑफ एक्स। इस तरीके से सब हो गया, कॉन्स्टेंट को कॉन्स्टेंट से इंटू करके फिफ्टीन लिखा गया। ओके, ना हमें तो एफ डैश ऑफ जीरो निकालना है, तो पूरा डिफरेंशिएट हो जाने के बाद देखो पूरा डिफरेंशिएट हो गया ना, डी बाई डी एक्स कहीं पर बचा क्या नहीं, तो अब हम पुट करेंगे एफ डैश ऑफ एक्स की जगह पर जीरो यानी कि सभी जगह एक्स की जगह पर जीरो। तो पुट एक्स इक्वल टू जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो और यहाँ जीरो। ओके, इस तरीके से एफ डैश ऑफ जीरो इज इक्वल टू ये फिफ्टीन जी डैश ऑफ थ्री जी फाइव जी जीरो जी ऑफ जीरो जी डैश ऑफ फाइव जी ऑफ जीरो जी डैश ऑफ जीरो, इस तरीके से लिख लिया अपन ने। ठीक है, और ऊपर क्वेश्चन में जो दिया है जी ऑफ जीरो की जगह जीरो जी डैश ऑफ जीरो की जगह थ्री, तो ये हम पुट करेंगे। देखो यहाँ से क्या पुट करेंगे, जी ऑफ जीरो की जगह जीरो और जी डैश ऑफ जीरो की जगह थ्री, यहाँ पर जीरो। ठीक है, तो ये सब पुट करने से क्या हो जाएगा, देखो बरा जी डैश ऑफ थ्री जी ऑफ, यहाँ अगर जीरो पुट करेंगे तो ये फाइव इंटू जीरो क्या आ जाएगा जीरो। ओके, तो थ्री इंटू अगेन ये जी ऑफ ये जीरो बन जाएगा, जीरो पुट जी ऑफ जीरो इज इक्वल टू ये जीरो पुट करने के बाद फाइव इंटू जीरो करने से जीरो आएगा, तो ये बनेगा थ्री इंटू जी ऑफ जीरो, ये देखो ये स्टेप हो गई। ठीक है ना, जी डैश ऑफ फाइव इंटू यहाँ पर भी जी ऑफ जीरो, तो इसका भी बन जाएगा जीरो, तो जी डैश ऑफ जीरो इंटू जी डैश ऑफ जीरो की जगह पर थ्री, ना फिफ्टीन इंटू जी डैश ऑफ थ्री इंटू इसका भी जी ऑफ जीरो का जीरो, थ्री इंटू जीरो जीरो, जी डैश ऑफ जीरो बन जाएगा ये वाला, देखो नीचे में जी डैश ऑफ जीरो इसका जीरो इंटू जी डैश ऑफ जीरो की जगह पर ये वाला थ्री इंटू ये बाहर का थ्री जैसे का वैसा। ठीक है ना, जी डैश ऑफ जीरो अगेन दिस इज थ्री, फिफ्टीन इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, दैट मीन्स आंसर 405। जगह जगह पे हमने ये पुट किया। इस क्वेश्चन को अच्छे से इस वीडियो को बार बार देखो, इसको कम से कम एक बार बुक में लिख कर फिर एक बार नई बगल देख के आप लिख कर प्रैक्टिस करो। ये न्यू सिलेबस में पहली बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, ओके, विल ब्रेक योर वीडियो।